दो साल के बाद कोई पंजाबी फिल्म आ रही है और वो है रंगीले, जो कि 17 मई को रिलीज होगी। और कई सेंटर्स में इसके स्पेशल जो हैं शोज, पेड प्रीव्यूज जिसको बोलते हैं, वो 16 तारीख को कई सेंटर्स में हो जाएंगे। अब जिस फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा हूँ वो है बुलेट राजा, वो भी आपके तिमांशु धूलिया जी जो हैं यहीं पे हैं, उनका घर तो जाके भी आए थे उनके घर एक दो बार, उनके मदर यहाँ रहते हैं। तो अभी मुझे बताया था उन्होंने रिसेंटली, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे किया था कुछ महीने पहले या समथिंग। सो वही डायरेक्ट कर रहे हैं बुलेट राजा को, और इसमें सैफ अली खान हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं। बुलेट राजा में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस 10-12 दिन का काम बाकी है। जैसे ही मेरी ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी, मैं 22-23 को बॉम्बे पहुंचूंगा और शूटिंग शुरू हो जाएगी। 10-12 दिन करके देन बुलेट राजा इज थ्रू, एंड 6 सितंबर को उसकी रिलीज फिक्स हुई हुई है। देखिए, मैं जो एक्सपेरिमेंटिंग होती है और जो इंटेंस कैरेक्टर्स होते हैं वो मैं अपनी हिंदी फिल्मों में करता हूँ ज़्यादातर, और वहाँ पे हर टाइप की एक्सपेरिमेंटिंग जो है। अभी मैंने एक साहेब बीवी गैंगस्टर में एक बहुत मेच्योर्ड राजे का साहेब का रोल किया है, और एकदम से सेम डायरेक्टर के साथ अब मैं एक यंग लड़के का जो रोल होता है वो प्ले कर रहे हैं इन बुलेट राजा। तो आई थिंक उसमें मज़ा आता है अपने तरीके से कि अच्छा उसमें ये था इस कैरेक्टर की लुक और ये सारा कुछ, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। मगर जो मुझे मज़ा आता है वो ये, जैसा मैंने आपको दिखाया थोड़ा हल्का फुल्का, जिसमें कि मतलब एक ही फिल्म में थोड़ा रोमांस भी मिले करने को, एक्शन भी मिले करने को, डांस भी करने को मिले, और ड्रामा, इमोशन, वो सारी चीज़ें एक ही फिल्म में मिलती हैं तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। आई पर्सनली प्रेफर दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटेंस रोल्स जो हैं थोड़े हैवी हो जाते हैं आपके ऊपर, फिजिकली भी हैवी हो जाते हैं, मेंटली भी हैवी हो जाते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा। पंजाबी फिल्मों को फिर ये होता है कि यार हमको पता है कि इसका बजट कम है, तो अगर हम बाहर से 10 रुपये लेते हैं तो हम पंजाबी फिल्म 2 रुपये में कर देते हैं यार, मतलब जो कॉस्ट है जितने में सब स्टाफ आप हो जाए उतने पे करके हम लोग कर देते हैं। तो सब अपने एक तरीके से फ़र्ज और ड्यूटी समझ के इस टाइम पे कर रहे हैं। इस टाइम पे ऐसा कोई दौर नहीं आया कि आप 20 करोड़ की 25 करोड़ की फिल्में बना सकें, एक बजट में अभी भी चलना पड़ता है। यस, धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया था 1% से लेके अब 10 साल बाद, 8-10 साल बाद धीरे धीरे करके 8-10% ऑडियंस जो है आ गई है। अभी वो 90% जो अभी तक नहीं आए हैं हमारी फिल्मों को देखने के लिए, जिस दिन वो आ जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि पंजाबी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस क्या होता है। हम तो तब तक लगे रहेंगे जब तक है हम इसको पैशन से कर रहे हैं, अपना फ़र्ज समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के पंजाबी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमने पिछली फिल्म धरती बनाई थी, आज वो कितने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है। कई चीज़ें, पंजाब की बहुत बड़ी हिस्ट्री है तो कई हिस्टोरिकल फिल्में बन सकती हैं उन सब पे, पर उन सब चीज़ों के लिए, पीरियड फिल्मों के लिए बजट चाहिए। साहब, बीवी गैंगस्टर रिटर्न्स पार्ट 3 बनेगा क्या? अभी कुछ नहीं कह सकते मैम क्या होगा, बिकॉज अभी बुलेट राजा में मशरूफ हैं तिग्मांशु, तिग्मांशु ही डायरेक्ट कर रहे हैं उसे। तो अभी वो जब तक कंप्लीट होती है फिर उसकी पोस्ट प्रोडक्शन पे काम चलेगा, बहुत बड़ी फिल्म है वो।